लास्ट लेक्चर, ये हमने लास्ट टाइम जो चीजें स्टडी की हैं वो हमने सारी की सारी, ये इसको पहले थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको इसका कुछ अंदाजा हो सके चीजों का, और उसके बाद हम आगे चल सकें। ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है और एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम, ये भी हमने स्टडी की है, और इसके बाद ये एलिमेंट्स हैं ऑफ द सिस्टम, ये भी हमने देखे थे। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऑफ द सिस्टम, ये भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक ऑटोमोबाइल कंपनी की, हमने उसका एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, एक हमने उसकी भी एग्जांपल डिस्कस की थी, और हमने लास्ट क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रेमवर्क भी हमने ये चीजें इसकी डिस्कस की हैं। अब हम चलते हैं अगले जो टॉपिक्स हैं उनकी जानब, हम चलते हैं। आज हम देखेंगे कि टीआरपी क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जीएल एफआर एस एमआरएस एमआईएस और एआईएस और एमआईएस के दरमियान में फर्क क्या होता है, इन सिस्टम के दरमियान में ये देखेंगे। ये हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम की एआईएस की लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर एआईएस के अंदर हम मेन काम क्या होता है एआईएस का, कलेक्टिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काउंटिंग डाटा दैट इज यूज्ड बाय द डिसीजन मेकर, ये हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर जो दूसरी चीज है ये सबसे जो है कि काउंटिंग, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हमारे पास सबसे जो मेनली यूज होता है वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और अगली बात, ये जो सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पे भी लफ्ज आएगा वहां पर ही हम सपोज करेंगे कि हम अपने काम को कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की सर्विसेज को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम खाली अकाउंटिंग में नहीं होता, इंफॉर्मेशन सिस्टम और भी बहुत ज्यादा एरियाज के अंदर यूटिलाइज हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक जेनेरिक टर्म है, एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं, कंप्यूटर्स के मेथड्स को यूज करते हैं। तो इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर अकाउंटिंग के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं और उनको हम आईटी के थ्रू हम उनको सॉल्व करेंगे। मिसाल है कि हम अपनी चीजें जो है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, तो एक्सेल के अंदर हम मुख्तलिफ शीटें बनाते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, तो हम मैनुअल की बजाय हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज से मुराद ये है कि प्रिंटर है, स्कैनर है, इंटरनेट है और नेटवर्किंग है, इस तरह मुख्तलिफ चीजें हैं, वो सारी की सारी आईटी के रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। हम उन आईटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं अपनी अकाउंटिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो इसके अंदर हमने लास्ट टाइम भी बात डिस्कस की थी कि इसके अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऐसी जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है वो सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आती हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है जो इफेक्ट नहीं करती, मसलन कस्टमर आप क्रिएट करते हैं, कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, सप्लायर का आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ये जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं ये आपके किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को इफेक्ट नहीं करते। तो ऐसी एंट्रीज जो हैं वो आपके पास नॉन फाइनेंशियल एंट्रीज आएंगी जो कि आपके फाइनेंस के रिलेटेड किसी भी मैटर को, किसी भी इवेंट को, किसी भी पार्ट को, उसको हिट ना करे, वो आपके पास नॉन फाइनेंशियल आपके पास
आता है, और फाइनेंशियल के अंदर जितनी भी कैश चेक इन्वेंट्री के रिलेटेड है, जाहिर बात जब कोई हम चीज सेल करेंगे तो इन्वेंट्री से कुछ उस चीज को माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो उसकी एंट्री जो है वो हम अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल या हम कैश का जो हमारे पास जो एंट्रीज हैं, रजिस्टर्स हैं या फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके अंदर वो फाइनेंशियल जो है वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो ये भी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस की थी ये चीजें। आगे हम फिर इसकी रिव्यू करके देखते हैं, जिसके अंदर हमने MIS लास्ट टाइम हमने देखा था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसके अंदर हमारे पास फाइनेंस है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्सोनल है। MIS जो चीजें AIS के अंदर नहीं होती, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर नहीं होती, वो हमारे पास MIS के अंदर होती हैं। MIS और AIS ये दोनों सिस्टम जो हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये दोनों सिस्टम चल रहे होते हैं, और दोनों सिस्टम इन दो ये जो सब सिस्टम है इनको मिला के ही पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है, चल रहा होता है। तो मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट गोज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द AIS। MIS के अंदर बहुत यानी वो चीजें होती हैं जो AIS की कैपेसिटी के अंदर नहीं होती, AIS से बाहर की चीजें होती हैं, वो सारी की सारी MIS के अंदर आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उसका साइज बड़ा होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ जाएंगी, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी आ जाएंगे, एरियाज मर्ज रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल के लिए, सेल के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, इन्वेंट्री के लिए, सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो जो वेयर हाउस के रिलेटेड चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के हैं, पर्सोनल के रिलेटेड चीजें हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमारे पास MIS हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ये AIS सब सिस्टम है, हम इसके अंदर जो बात हो रही है AIS सब सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS। TPS आपको याद होगा कि जो हमने डायग्राम देखी थी उसके अंदर सबसे जो नीचे लेवल होता है, सबसे जो पहली लेयर होती है, सबसे जो बॉटम वाली लेयर होती है, हम उस लेयर को TPS कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि TPS को ज्यादातर जो है वो वर्कर्स ऑपरेट करते हैं, मैनेजमेंट नहीं इस टीयर के ऊपर होती। मैनेजमेंट आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ टीयर के ऊपर होती है, जो सबसे नीचे वाला टीयर होता है, सबसे पहला टीयर होता है, बॉटम वाला टीयर होता है, वो आपके पास TPS होता है। तो TPS का जो मेन मकसद होता है सपोर्ट डेली बिजनेस ऑपरेशंस विद न्यूमरस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड मैसेजिंग फॉर यूजर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो डेली की रूटीन की एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो सारी की सारी जो है उनकी रिपोर्ट्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, मैसेजिंग, वो सारी की सारी TPS जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती हैं। सेंट्रल टू ओवरऑल फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय कन्वर्टिंग इकोनॉमिकल इवेंट्स इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है, जितने भी आपके पास इकोनॉमिकल चीजें होती हैं वो सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सूरत के अंदर TPS के अंदर आती है। मतलब जितने भी कैश आ रहा है, जितने भी चेक्स आ रहे हैं, जितना माल गोदाम के अंदर आया है, जितनी सेल की है, जितनी आपने परचेज की है, जितने भी ये चीजें हैं वो सारी की सारी TPS के अंदर आ रही होती हैं। ये अगली चीज जो है बुलेट है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जर्नल्स एंड लेजर्स। ये जर्नल और लेजर, ये आपने इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर आपने इनको स्टडी किया हुआ है, तो ये इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जर्नल और लेजर्स के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन की जाती है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑपरेशंस पर्सोनल टू सपोर्ट देयर डेली ऑपरेशंस हैं।
जितनी भी टीपीएस के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, इनको जो ऑपरेशंस के रिलेटेड जो आदमी होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, उनको सप्लाई की जाती हैं डेली की ट्रांजैक्शंस जो हैं, ताकि वो अपनी डेली के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे इसकी जो फर्दर चीजें हैं। AES सबसिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसी की अगली स्लाइड है, और इसके अंदर उसी की पिछली स्लाइड की कंटिन्यूशन के अंदर चीजें दी हुई हैं। विद बिजनेस इवेंट्स डेट अकर फ्रीक्वेंटली, जो डेली के फ्रीक्वेंटली चीजें वही होती हैं जो डेली की बेसिस के ऊपर हो रही होती हैं, वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। अ फर्म मे प्रोसेस द थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन डेली, थाउजेंड्स मिलियंस ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं फाइनेंशियल के रिलेटेड जो है। ट्रांजेक्शन आर ग्रुप्ड इनटू साइकल्स, साइकल से मुराद ये होती है कि फेजेस हैं, ठीक हो गया। टीपीएस कंसिस्ट ऑफ थ्री साइकल्स, थ्री फेजेस हैं इसके अंदर हैं। एक आपके पास रेवेन्यू साइकिल है, जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है उसके रिलेटेड आपके पास चीजें हैं, और दूसरा जाहिर बात फेज है जो आप एक्सपेंडिचर डालते हैं अकाउंट्स के अंदर, कि जितने आज के एक्सपेंडिचर क्या हुए हैं। आपके पास जो इनकम आ रही है वो आपके पास एक अलहदा साइकिल है, उसका अलहदा इनकम्स को हैंडल करने का तरीका है, और जो एक्सपेंडिचर हैं जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको अलहदा है, और ये एक कन्वर्जन साइकिल है। कन्वर्जन साइकिल से यहाँ पर मुराद ये है कि जितनी भी हमारी पास नॉन फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होती हैं, जो सपोज करें हमारे स्टॉक से जो माल हम बेच रहे हैं उसकी जो एंट्रीज होती हैं, स्टॉक को माइनस करना, स्टॉक को प्लस करना, और प्रोडक्शन के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं, इस यूनिट को इतना माल दे दिया है, इतना खाम माल दिया है, इतना प्रोडक्शन से माल आ गया है, प्रोडक्ट फर्निश होके माल इतना बन गया है, इतना माल सप्लाई कर दिया गया है, ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन हैं, इस तरह की जो ट्रांजेक्शन हैं वो सारी की सारी कन्वर्जन साइकिल के अंदर आती हैं। तो रेवेन्यू साइकिल हो गया, इसकी जो टीपीएस की जो थ्री साइकिल्स हैं, थ्री फेजेस हैं, तीन इसके मुख्तलिफ इसके काम हैं, फंक्शंस हैं। एक रेवेन्यू है, जितना आपके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है वो रेवेन्यू के अंदर आएगा। दूसरा पैसा आपके पास जो एक्सपेंडिचर है वो उसके अंदर आएगा। तीसरा जो है वो कन्वर्जन साइकिल से मुराद ये है कि जितनी भी आपके स्टॉक के रिलेटेड चीजें हैं और आपके पास नॉन फाइनेंशियल चीजें हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ये दोनों हमारे पास जो एंट्रीज हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, ये दोनों हमारे पास फाइनेंशियल रिलेटेड है, इसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व है। जो कन्वर्जन साइकिल है इसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होता, ये कन्वर्जन साइकिल है। ई साइकिल कैप्चर एंड प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है। हर साइकिल जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी इन तीनों के अंदर हो सकती हैं। GL, FRS, ये जो जनरल लेजर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम का कुछ है अंदाजा। ये दो हिस्सों के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो हमारे पास कोरिलेटेड टू टू सब सिस्टम्स है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है ड्यू टू देयर ऑपरेशनल इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी से मुराद ये है कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो हमारे पास फाइनेंस के रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर होंगी, और इसके जो दो चीजें हैं ड्यू टू देयर ऑपरेशनल इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि दो चीजें जो हैं जो आपस के अंदर इंटरनली तौर के ऊपर डिपेंडेंट है, व्यूड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। दो चीजें अलहदा हैं लेकिन ये चीजें आपस के अंदर इंटरडिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से ये एक ही सिस्टम नजर आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, लेकिन इसके भी दो सब सिस्टम हैं, और वो दोनों सब सिस्टम
इतने एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड हैं, इतने एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं कि वो दोनों एक ही चीज नजर आते हैं। समराइज ट्रांजेक्शन साइकिल एक्टिविटी है, अपडेट द जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स है, ये चीजें हैं इसके अंदर। ये दो सिस्टम्स हैं इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर, कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं इनकी समराइज ट्रांजेक्शन साइकिल एक्टिविटी, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी एक समरी बन जाती है। और अपडेट द जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स है, सारी बात है जनरल लेजर को के अकाउंट्स को हम उनको अपडेट कर देते हैं, डेली की ट्रांजेक्शंस की एक समरी बन जाती है और उसके अकाउंट्स और लेजर्स को अपडेट कर दिया जाता है इसके अंदर। जी अगले जो हम बात करेंगे इसके अंदर इसी जनरल, ये जो स्लाइड्स की कंटिन्यूटी है, लेस फ्रीक्वेंट इवेंट्स सच एज स्टॉक्स, स्टॉक्स के इवेंट जो हैं वो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, इसको हम एक मिनट जी मर्ज एंड क्लेम सेटलमेंट्स हैं, स्टॉक्स के जो कम इवेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के वो स्टॉक्स के होते हैं, स्टॉक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, मर्जर्स होते हैं, क्लेम सेटलमेंट्स होती हैं, ये चीजें की चीजें कम एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कम होती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम मेजर्स एंड रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द चेंज ऑफ दोज रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो आपके पास डेली की फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, आपका पैसा है, आपका बैंक है, आपके पास कैश इन हैंड है, ये सारे के सारे आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। और इन रिसोर्सेज के अंदर जितने भी आपके पास डेली के बेसिस के ऊपर जो चेंजेस आ रही हैं वो सारी की सारी इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। एफआरएस सिस्टम कम्युनिकेट द दिस इंफॉर्मेशन प्राइमरी टू एक्सटर्नल यूजर, मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है इसका जो प्राइमरी या एक्सटर्नल यूजर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है, जिस तरह हम अपने जो टैक्स की रिटर्न्स वगैरह भेजते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर शो करते हैं, और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सालाना ऑडिट होता है और अपनी ऑडिट की रिपोर्ट वगैरह जो पब्लिश करते हैं, तो इन सब चीजों के अंदर जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसी की ही चीजें सारी की सारी आगे रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो अगली स्लाइड पे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम था और ये आ गया मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है। अब मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, इट प्रोवाइड्स द इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नीडेड टू मैनेज अ बिजनेस है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है, इसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल जो आपके पास जो चीजें होंगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, अकाउंट पेएबल कितने हैं, और उसके अंदर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट्स, आपका इस बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, आपके पास जो कैपिटल आपके पास कितना है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास कितनी वैल्यूज हैं उनकी, तो ऐसी जो सारी के सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए चाहिए होती हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की वो चीज़ें, अकाउंट्स की वो चीज़ें जो किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जब किसी ने बिजनेस का डिसीजन करना होता है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके अंदर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। और इसके अंदर आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको इस हिसाब से चाहिए कि वो आपके पास डेली बेसिस के ऊपर आपको इमीडिएटली आपको प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको डील करने के लिए, और आपको फौरी तौर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको रन टाइम चाहिए होती है
वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो, आपको वेब बेस आपका सॉफ्टवेयर हो जो आपको किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे आपको आपके रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो फौरी तौर पे दे सके, ताकि जो है वो अगला बंदा वो अपनी प्लानिंग कर सके और जो भी रियल टाइम एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी प्रोसेसेस चल रहे, रियल टाइम सिस्टम होते हैं जिसके अंदर जॉब्स चल रही होती हैं और आपको फौरी आपके पास जितना भी काम हो रहा होता है वो रियल टाइम हो रहा होता है। एक आपके पास दूसरा होता है ऑफलाइन काम हो रहा होता है कि बाद में भी बैठ के आप एंट्रीज कर देते हैं। एक चीज होती है कि रियल टाइम जैसे जैसे चीज आ रही है वैसे वैसे एंट्रीज उसकी डल रही है और उसी हिसाब से आप डिसीजंस फौरी तौर के ऊपर चीजें जो है वो डिसीजंस उसको बदल रहे होते हैं, डिसीजंस को देख रहे होते हैं, फर्दर प्लानिंग उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है ये आपके पास डे टू डे जो बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस के अंदर जो हर्डल्स हैं उन सबको रिजॉल्व करने के लिए ये सारी की सारी चीजें होती हैं। मैनेजर्स रिक्वायर डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर देयर वेरियस काइंड ऑफ डिसीजंस दे मस्ट मेक। ये हम अभी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि वो उनको अपनी डेली की इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो भी आपको उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए उसको डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम का वो काम होता है। इसके अंदर आपके पास क्या चीजें आ जाती हैं, आपके पास बजट आ जाता है कि आपका सालाना मंथली डेली वीकली आपके पास कितना बजट है, आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं कि वेरियंस रिपोर्ट्स है, वेरियंस क्या है कि एक चीज और दो चीजों के दरमियान में कितनी वेरिएशन आ रही है, दो डेज के दरमियान में वेरियंस कितनी आ रही है। मसलन के आप देख सकते हैं सेल की के डेली की एक पिछले वीक में कितनी सेल हुई थी और इस वीक में कितनी सेल हुई है, तो दोनों सेल दोनों वीक्स के दरमियान के अंदर कितनी वेरियंस आई है सेल के अंदर, इसी तरह मार्केटिंग के अंदर, इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी आ जाता है इसके अंदर कि आपका कितना कॉस्ट आ रही है और कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है। मुख्तलिफ किस्म की आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के इसके ऊपर भी इसको छोड़ सकते हैं, ना आप हिस्ट्री के ऊपर जाएं, आप डे टू डे बेसिस के ऊपर आप रन टाइम के ऊपर आप जो भी इस टाइम का स्टेटस है, आप मिसाल है कि किसी बंदे ने वो एक पार्टी आती है वो कहती थी मैं जो इतने पैसे चाहिए, तो वो बंदा अगर जो मैनेजर है वो सोचता है कि मैं इससे बिजनेस की डील कर लूं और मैं इतने का माल उठा लेता हूं, ये बंदा कहता है जी मुझे आप कैश दे दें तो मैं आपको कैश दे देंगे तो मैं आपको ये चीज मिसाल है कि मैं 20 लाख की दे दूंगा और अगर आप मुझे चेक देंगे या 3 दिन बाद पेमेंट देंगे तो ये चीज 22 लाख की होगी। अब वो मैनेजर जो बैठा है वो कहता है कि अच्छा 2 लाख का फायदा हो रहा है, मैं रन टाइम पे बैठ के अगर चेक करना चाहे कि मेरे पास इस वक्त बैंक्स के अंदर कितना पैसा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वक्त कैश है, इतना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल है कैश कि मैं इसको देख सकूं, तो वो जो डिसीजन करना चाह रहा है वो डील करने के लिए डिसीजन करना चाह रहा है वो सारे का सारा डिसीजन जो है वो किसके थ्रू होगा, इसी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू होगा। SOX है, ये एक अलग टॉपिक है, ये एक एक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा और इसकी एक दो स्लाइड्स हैं इसकी आगे और डिस्टिंग्विश बिटवीन AAS और ये एक थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक कानून है, एक लॉ है जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना सारे का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज करेंगी, वो जितनी भी अकाउंटेबल होंगी ऑडिटिंग करवाएंगी, जो आपने MCOM के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, और वो प्राइवेट कंपनीज को हायर करेंगी ताकि वो अपना ऑडिट करा सकें और वो अपने सिस्टम को फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएंगी, विलफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविडेंस, तो ताकि उसके अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो सके, ये बाहर का एक कानून है और ये इसकी आगे स्लाइड है, ये इसकी छोटी मोटी चीजें लिखी हुई है, ये इसको पढ़ लीजिएगा।